हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के यानी 9 और 10 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है एयरफोर्स डे। देखिए, इंडियन एयरफोर्स डे हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर डिफेंस रिलेटेड कोई डे है, चाहे सीआरपीएफ डे हो, चाहे आर्मी डे हो या फिर चाहे एयरफोर्स डे हो, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 1932 को इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 8 अक्टूबर के दिन। इसी दिन को हम क्या मनाते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे। ध्यान से देखिएगा कि 1932 यानी इंडिपेंडेंस के पहले की बात हो रही है, इसीलिए जब हमने एयरफोर्स को एस्टैब्लिश किया था, ये रॉयल एयरफोर्स यूके के अंडर में हमने एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, रॉयल एयरफोर्स की सपोर्टिंग ब्रांच के जैसे हमने इंडियन एयरफोर्स को लॉन्च किया था, बाद में ये हमारी इंडियन एयरफोर्स बनी। उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, हर साल हम लोग इसको कहाँ मनाते हैं, हिंदौन एयरफोर्स स्टेशन। हिंदौन एयरफोर्स स्टेशन में हम लोग इसको हर साल बढ़िया तरीके से मनाते हैं। और हिंदौन एयरफोर्स की खासियत यह है कि ये एशिया का लार्जेस्ट एयर बेस है। तो वर्ल्ड, इसकी डेट के साथ साथ तो आपको याद रखनी है कि लार्जेस्ट एयर बेस एशिया का कहाँ पर है, हिंदौन एयरफोर्स स्टेशन। और इसके यहीं पर हम लोग क्या मनाते हैं, हमारे एयरफोर्स डे। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ है G20 शेरपा मीटिंग। शेरपा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिएगा, शेरपा का मतलब होता है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब है कि जो अगर लीडर नहीं जा पा रहा है तो उसकी जगह शेरपा जाएंगे और वो लोग जाकर मीटिंग करेंगे, वो लोग जाकर वहां पर सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर मोदी जी के रिप्रेजेंटेटिव शेरपा बनकर कौन गए थे, अमिताभ कंत। तो ध्यान रखिएगा, G20 मीटिंग में इस बार के इंडिया के शेरपा कौन थे, अमिताभ कंत को आप पहले से जानते होंगे, आपने बहुत बार नाम सुना होगा। ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। अभी कौन है नीति आयोग के सीईओ, वो है परमेश्वरन अय्यर, उन्होंने रिप्लेस किया था अमिताभ कंत साहब को। अमिताभ कंत साहब जो है वो शेरपा बन गए हैं G20 मीटिंग का। और यहाँ पर हर कंट्री से अपने अपने शेरपा आए थे, लीडर्स की मीटिंग नहीं थी। ये थर्ड एडिशन हुआ है इसका। ठीक है, हुआ कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में क्यों हुआ है, क्योंकि यही इस बार की प्रेसिडेंसी है। उसके बाद एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि G20 ये 20 देशों का क्या है, यूनियन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर 19 कंट्रीज है और साथ साथ एक यूरोपियन यूनियन है। तो इन सबका यूनियन बनाकर क्या है आपका G20। उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, G20 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि 1 दिसंबर 2022 यानी इसी साल के एंड में जो है इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिल जाएगी। इंडिया क्या हो जाएगा, इसका प्रेसिडेंट हो जाएगा। और इस वजह से ही 2023 में जो पहली बार लीडर्स की मीटिंग होने वाली है, G20 लीडर्स मीटिंग, वो इंडिया में पहली बार होने वाली है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट बार उसको होस्ट करेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी न्यूज़ नहीं है। चलिए अगले इस पर चलते हैं, SC ST हब कॉन्क्लेव। देखिए, SC ST हब कॉन्क्लेव, ये जो आइडिया है वो MSME मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, MSME मिनिस्ट्री जो है इन्होंने ये लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया है, गुजरात में लॉन्च किया है। मेन मोटो इनका ये है कि SC ST कम्युनिटीज़ में भी हम लोगों को क्या लेकर आना है, एंटरप्रेन्योर का कल्चर लेके आना है, उनको भी स्टार्टअप्स के बारे में सिखाना है, उनको भी फंड्स के बारे में सिखाना है, नए नए बिजनेसेस कैसे चालू करते हैं, ये भी हमको SC ST कम्युनिटीज़ को सिखाना है, ये कहना है MSME मिनिस्ट्री का। और इसीलिए उन्होंने SC ST हब कॉन्क्लेव ये लेकर आया है। और इस वजह से यहाँ पर ना बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आए थे ताकि उन लोगों को अवेयर करा पाए, और साथ साथ बहुत सारी हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी यहाँ पर आई थी। जैसे फॉर एग्जांपल SBI ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, येस बैंक ने किया था, एक्सेट्रा। और अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट में देखा जाए तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में आया था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आया था, उसके बाद ONGC, ये सारे लोग यहाँ पर आए थे ताकि SC ST लोगों को क्या कर सके, उनकी कम्युनिटीज़ को बढ़िया तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप पे जो है लेक्चर और बढ़िया तरीके से समझा सके उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। जब हम लोग SC ST की बात कर ही रहे हैं तो जम्मू कश्मीर ने पहाड़ी कम्युनिटी को क्या कर दिया है, ST का दर्जा दे दिया है। अभी तक के पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो OBC के अंडर में आती थी, अब वो इसके अंडर में आएगी, ST में आएगी। अभी तक SC ST नोटिफाई करना जम्मू कश्मीर में इतना आसान नहीं था, पर 2019 में हम लोग ने क्या किया था, 370 आर्टिकल को हटा दिया और साथ साथ 35A आर्टिकल को भी हमने हटा दिया। और इस वजह से क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो हिस्सों में बांट दिया, और इसलिए और उसका जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही क्या बन गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अब जो है ये बड़ा आसान हो गया कि हम किसी भी कम्युनिटी को क्या करें, SC ST नोटिफाई कर सकते हैं। ये करता कौन है, होम मिनिस्टर करता है। तो ये रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपनी रैली में, जम्मू कश्मीर उनकी रैली हुई थी, वहां पर उन्होंने ये अनाउंस किया है। उसका एक चीज ध्यान रखेंगे, 1991 से यहाँ पर दो जो है SC कम्युनिटीज बहुत फेमस है, वो है एक तो गुज्जर
गुज्जर कम्युनिटीज, और एक आता है आपका बकेरवाल कम्युनिटी, बकेरवाल कम्युनिटी, तो ये दो नाम भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पे सीएम नहीं है क्योंकि ये यूटी बन चुका है, मनोज सिन्हा साहब, मनोज सिन्हा, और यहाँ पर जो कैपिटल होता है वो श्रीनगर होता है और जम्मू होता है, दोनों यहाँ पर कैपिटल है। उसका नेक्स्ट इस पे चलते हैं, फर्स्ट हाईटेक एंटी पोचिंग सिस्टम। पोचिंग का मतलब होता है इलीगल तरीके से क्या करना, इलीगल तरीके से जानवरों की हंडिंग करना, उसको आप पोचिंग कहते हैं। तो उसके खिलाफ, मतलब वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने हाईटेक सिस्टम लॉन्च किया है। यहाँ पर हमने हाईटेक सिस्टम इसलिए है, यहाँ पे ड्रोन हम लोग ने लगाए हैं, यहाँ पे हमने ऑप्टिकल सिस्टम्स लगाए हैं, उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर हमने हाईटेक सिस्टम्स लगाए हैं। ये कहाँ पर हो रहा है, पहली बार राजस्थान में, राजस्थान में भी कहाँ पर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जिसको आरटीआर कहा जाता है। आरटीआर से आप ध्यान रख सकते हैं कि ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सवाई माधोपुर। उसके बाद एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है कि 60 से भी ज्यादा यहाँ पर क्या है, टाइगर्स मौजूद है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर्स है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का ये जो है पहला अगर माने तो, दूसरे नंबर पर सरिस्का और भी है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, उसके बाद और टाइगर रिजर्व है मुकुंद्रा, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, और रिसेंटली, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली कुछ महीने पहले ही नया यहाँ पर टाइगर रिजर्व बना है जिसका नाम है रामगढ़ विजधारी। तो नाम याद रखेंगे, रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर चारों टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिया, सवाई माधोपुर से, और यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क भी है जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क, और बाकी नेशनल पार्क आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले इसमें चलते हैं, अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ प्रेडिक्शन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि ग्लोबल ट्रेड को हम लोग कैसे देखते हैं, कि ग्लोबल ट्रेड जो हो रहा है वो 1% से बढ़ेगा, जबकि उन्होंने कहा था पहले ये 3.4% से बढ़ेगा। इसका मतलब है कि उनको अब लग रहा है कि कम जो है ग्रोथ होगी। इसका रीजन उन्होंने दिया है कि हमको ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ में जो है 2022 के, अभी जो सेकेंड हाफ चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा ट्रेड में हमको डिक्लाइन दिख रहा है, और साथ साथ 2023 में भी पूरे साल हम लोगों को बहुत ज्यादा बढ़त तो दिखने नहीं वाली, एक डिसेंट सा ग्रोथ दिखेगा, और इस वजह से हमारा जो ग्रोथ प्रेडिक्शन हम लोग कम करके क्या कर रहे हैं, 1%। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बोले कि हमारी जीडीपी का प्रेडिक्शन कितना है डब्ल्यूटीओ के मुताबिक वर्ल्ड का, तो वो होगा 2.8% 2022 के लिए और 2.3% 2023 के लिए। तो चेंज होते रहेगा, देखिएगा बीच बीच में चेंज हो जाएगा, अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ नया लेकर आती है तो इसको बढ़ाएगा कम करेगा, बट रिसेंटली जो अभी जो बोला उन्होंने वो बोला है 1% और जीडीपी बोला है 2.8%। डब्ल्यूटीओ से आप ध्यान रख सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को उसको बनाया था, 164 कंट्रीज यहां पर पार्टिसिपेट करती है, मतलब इसके मेंबर कंट्रीज है। उसके बाद नेक्स्ट इस पे चलते हैं, नए चेयरमैन और एमडी बने हैं गैस अथॉरिटी लिमिटेड के, ठीक है। गैस अथॉरिटी लिमिटेड के क्या बने हैं, नए चेयरमैन और गेल के नए चेयरमैन और एमडी बने हैं, जिनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता। तो नाम याद रखेंगे, संदीप कुमार गुप्ता। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, आजकल बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछते हैं इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने मनोज जैन को रिप्लेस किया है, ठीक है। मनोज जैन को इन्होंने रिप्लेस किया जो 34 साल से गैस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। संदीप कुमार गुप्ता एक कॉमर्स ग्रेजुएट है, सीए भी ये है, ठीक है। उसके बाद गेल से आप याद रख सकते हैं, गेल से आप याद रखेंगे कि 1984 में ये बना था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंडर भी ये आता है, और उसके बाद न्यू दिल्ली में इसके हेड क्वार्टर्स है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो एक अपॉइंटमेंट आपको बता दूं, और कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई की सब्सिडरी है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने क्या किया है, किशोर कुमार पोलू डासू। तो ये नाम थोड़ा सा यूनिक है तो आपको याद रखने में बड़ा आसान होगा, जो कि चीज यूनिक रहता है ना उसको नाम करने में ज्यादा आसानी होती है। तो इसके एमडी सीईओ बन गए हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के, कौन, पोलू दासू। उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज की तरफ आते हैं, स्पोर्ट्स की आपको दो चीजें मुझे यहाँ पर बतानी है। एक है कि 2029 यानी 2029 में जो एशियन विंटर गेम होंगे, ठीक है, एशिया के एशियन विंटर गेम जो होने वाले हैं, इसका होस्ट कंट्री जो है वो डिसाइड हो चुकी है, और इसको होस्ट करने वाला है सऊदी अरेबिया। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे कि हॉकी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH जिसको कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने अवार्ड्स दिए हैं मेन गोलकीपर ऑफ द ईयर और विमेन गोलकीपर ऑफ द ईयर, और ये इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों भी किसी इंडियन को इस साल मिले हैं। तो मेन गोलकीपर ऑफ द ईयर जिसको मिला है उनका नाम है PR श्रीजेश, बहुत फेमस है PR श्रीजेश, ठीक है। उसके बाद विमेन में जिसको मिला है उनको मिला है सविता पुनिया को, तो दोनों ही बहुत फेमस है इंडिया के लिए, और इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि मेन और विमेन दोनों गोलकीपर ऑफ द ईयर किसको मिला है, इंडिया के ही प्लेयर को मिला है। चलिए
थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।